नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ आपके स्वास्थ्य के लिए। जाने खाली पेट पानी पीने से शरीर में क्या होता है। दोस्तों, पानी का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। पानी आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सी बीमारियों से बचाने के लिए सबसे सस्ता और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, चाहे वो बीमारी बड़ी हो या छोटी हो। ऐसा नहीं है कि हम दिन में पानी पीते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन दोस्तों, जब हम सुबह खाली पेट पानी पीते हैं तो इससे हमें बहुत फायदा होता है और यह बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, सुबह खाली पेट पानी पीने से वजन घटता है और हमारी पेट की बीमारियाँ सुबह खाली पेट पानी पीने से पेट की बीमारियां ठीक रहती हैं और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है सुबह खाली पेट पानी पीना। कब्ज हो या गैस हो, हमें ये परेशान नहीं कर पाएंगे अगर हम सुबह खाली पेट पानी पीते हैं तो। और दोस्तों, अगर वो पानी गर्म हो तो इसके और भी हमें बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि अगर हम गर्म पानी सुबह खाली पेट पियेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सी पेट संबंधी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। दोस्तों, बहुत से लोग गर्म पानी पीते तो हैं लेकिन उन्हें सही तरीके का और सही समय का नहीं पता होता और वो गर्म पानी और वो इसका सही तरीके से फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे गर्म पानी पीना चाहिए सुबह उठकर खाली पेट। दोस्तों, हम जो गर्म पानी पीते हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर के तापमान के अनुसार हमें पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी हमें पीना चाहिए, न ज़्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा हो, क्योंकि दोस्तों, ऐसे पानी से कब्ज नहीं बनती और वो हमारे भोजन को पचाने में हमारी बहुत मदद करता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। पानी को हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए और हमें पानी पीते समय एक साथ पूरा पानी नहीं पीना चाहिए। पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम ठंडा पानी पीते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट की बड़ी आंत सुकड़ जाती है और हम बहुत सी बीमारियों से घिर जाते हैं। दोस्तों, खाना खाने से कम 45 मिनट पहले हमें पानी पीना चाहिए, और अगर आप किसी भी प्रकार का मीठा या फ्रूट खाते हैं तो उसके ऊपर हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत नुकसान होता है। दोस्तों, सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से शरीर की सारी गंदगी दूर हो जाती है, आपका खून साफ हो जाता है। वैसे तो हर व्यक्ति को सुबह उठकर 1 से 4 या 5 गिलास तक पानी पीना चाहिए, लेकिन आप 4 या 5 गिलास पानी नहीं पी सकते हैं तो इसकी आदत डालिए और आप धीरे धीरे करते हुए 1 या 2 गिलास करते हुए धीरे धीरे पानी की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर में विषैले पदार्थ दूर हो जाते हैं, और जिससे खून हमारा साफ हो जाता है, और खून साफ होगा तो हमारी त्वचा पर निखार आ जाता है और हमारी त्वचा पर कील मुहांसे दाग धब्बे नहीं हो पाते। सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने से हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने से मेटाबॉलिज्म सक्रिय हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो सुबह उठकर गर्म पानी पीना आप शुरू कर दीजिए, और इससे आपको कुछ ही दोस्त सुबह खाली पेट पानी पीते हैं तो उनको कब्ज नहीं होती और कोई भी चीज़ अगर वो खा लेते हैं तो उसे आसानी से पचा लेते हैं, और कब्ज की वजह से होने वाले अन्य रोग भी उन्हें नहीं लगते। सुबह उठकर पानी पीने से गले, मासिक धर्म और आँखों, पेशाब और किडनी संबंधी रोगों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, गर्म पानी पीने से हमारे शरीर में कफ की समस्या नहीं रहती है और शरीर में नई शक्ति का संचार होता है।
हम अपने आप को ऊर्जावान फील करते हैं। दोस्तों, अगर हम सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने की आदत डाल लेते हैं तो हमारे जितने भी पेट की समस्याएं हैं हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, बुखार के रोगी को अगर ठंडे पानी की जगह गर्म पानी देते हैं तो उसका बुखार सही हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे खाली पेट सुबह पानी पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।